बच्चों लोग अब जरा देखो, इधर देखो, बन पा रहा नहीं, जरा ध्यान दो इधर। यहाँ पे दो नैन गेट है, नैन गेट को नॉट जैसा यूज कर रहा है ये। इसका दोनों आउटपुट बाहर निकाला और फिर ये जो अगला नैन गेट है उसमें मैंने लगा दिया ये। अब इसे चेक करेंगे कि क्या ये बना, और नहीं बना होगा फिर कुछ सोचेंगे। पहले इसका बूलियन मैथमेटिक्स से चेक करो। आप यहाँ पे ए लिखोगे, यहाँ पे बी लिखोगे, ओके। ये बच्चों आएगा ए इनवर्स और यहाँ पे आएगा बी इनवर्स, ओके। फिर यहाँ आया ए इनवर्स और यहाँ पे आया बी इनवर्स। अब इसके आगे क्या होगा, ए इनवर्स बी इनवर्स है ना, ए इनवर्स बी इनवर्स बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इनवर्स। यहीं लिख दिया, समझ आ रहा, ये पिछले क्लास में आपको लिखवाया होगा। तो ए इनवर्स बी इनवर्स बराबर ए प्लस बी इनवर्स हुआ। फिर आगे क्या हुआ, ए प्लस बी का इनवर्स हो गया, तो बराबर क्या आया, ए प्लस बी बराबर आया सी। ये बूलियन अलजेब्रा बन गया, समझ गया कैसे बना, ये आर गेट हो गया। मतलब नैन गेट से आप तीनों गेट बना सकते हो। पहले नॉट दोनों लगाया, फिर नैन लगाया, तो सिंपली आर गेट बन गया। अब ये सब पेपर में आएगा तो आपको यही सब बनाना है, तो यही सब है, और इसमें कुछ है नहीं ना। आप लोगों का मॉडर्न फेस माने बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। अब उसके सिलेबस को बढ़ाने के बजाय उसको घटा रहा है, इसका मतलब इसको हटा देना चाहिए तब, जबकि इसको बढ़ाने का समय था, इसे और बढ़ाना चाहिए। नया इन्वेंशन क्या हो रहा है, नए क्वांटम वांटम को मैं सोच रहा था कि डालेगा, तो उसको बढ़ाने के बजाय जो पहले था वही काट दिया। मॉडर्न फिजिक्स को बढ़ाने का समय है ना, ये तो नया नया चीज आ रहा है, तो उसे तुम मॉडर्न फिजिक्स को बढ़ा के पीछे वाली हटानी थी चीज़ों को। अब यही है तो अपना कंट्री है, क्योंकि अनपढ़ लोगों का साम्राज्य चल रहा है। कोई इस पर इंटरफेयर भी नहीं किया, करना चाहिए था। आईआईटी ने नहीं किया, आईटीयू करना चाहिए था। चलिए ये सब बात हो गया, इतनी बात। अब आप लोग ये वाला भी गेट खत्म हो गया ना। अब जैसे नाइन गेट हम लोगों ने पढ़ा है ना, ऐसे ही नॉर गेट पढ़ो आप, NOR नार गेट। ये सब बना लेना, बना होना के सब लिख लेना, सब पेपर में आता है ना, स्कूल के एग्जाम में ही सब आएगा। एक पेज में एक गेट ऐसे बना के दिखाना सब अच्छे से, नार गेट। बच्चों ये नार गेट ये भी यूनिवर्सल गेट है। कैसा गेट है, यूनिवर्सल, मतलब ये कि यूनिवर्सल से मीनिंग ये है कि आप इससे बाकी गेट भी बना सकते हो। तो सबसे पहले नॉर गेट कैसे बना है उसकी बात कर लें। इसके नाम से तो मतलब आप समझ गए होंगे, अगर नैन था तो एंड प्लस नॉट, तो अगर नार है तो आर प्लस नॉट हो गया। तो पहले तो हम अपने अगर स्कूल की कॉपी लिख रहे हैं तो वहाँ पे नार की जगह क्या लिखना है, आर प्लस नॉट, पहले ये लिखना है आर प्लस नॉट, ये नॉर गेट है। अब R में नॉट को लगा दो, बस नॉर गेट बन जाएगा। अब बच्चों R में नॉट को हम प्लस करने वाले हैं, ऐसे देखो इस तरह से। ये आपको बस सिंबल बनानी है इसका, सिंबोलिकली R गेट हो गया, और इसके साथ आपको ये गेट लगानी है, नॉट हो गया।
अब यहाँ पे ए और बी है तो इसका आउटपुट जाना है, तो ए प्लस बी हो गया और ए प्लस बी का इनवर्स होगा बराबर ए इनवर्स बी इनवर्स बराबर सी हो गया। ठीक है, ए प्लस बी का इनवर्स करोगे तो वो सी हो गया, या इसी को लिख सकते हो ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स। अब इसको इतने बड़े को हम ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी बराबर है ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स। ये नॉर गेट का सिंबल है। जब नॉर गेट का सिंबॉलिकली आपने बच्चों रिप्रेजेंट कर ली तो अब अगला नंबर आता है बस केवल ट्रुथ टेबल का। अब हमें ट्रुथ टेबल बनानी है। यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी। अब इसमें ए बी सी में इनपुट वगैरह लिखवाओ जल्दी जल्दी बच्चों। 1 1 इसे कंप्लीट करना, 1 0 0 1 0 0। आर गेट कैसा था, हाई रिस्क प्लेस पे लगना था, तो अब ये कहाँ पे लगेगा, लो रिस्क पे। 1 1 से हमें क्या मिलेगा, 0 आ जाएगा और 1 0 से भी 0 आ जाएगा, 0 1 से भी 0 आ जाएगा। समझ आ रहा है तुम्हारा, और 0 0 से अब 0 0 से 1 आएगा, 0 इनवर्स भी 1 है और ये भी बी इनवर्स, ये भी 0 इनवर्स 1 1 1 इंटू 1 बराबर 1 हो गया। आपको अब क्या बनाना चाहिए, वो जो सिग्नल वाला था ना उसको बना लो। अब बच्चों इसी को एक बार और हम जरा बनाएंगे। अब इसमें देखो ये ए है और ये बी है येलो वाला, और अब हमें सी दिखाना है, इसी के नीचे दिखाएंगे। अब इसमें आपको अगर रिप्रेजेंट करनी है कॉपी में दिखाना है तो सबसे पहले वो देखो जो सबसे कम हुआ हो, और सबसे कम क्या हुआ, 1, मतलब जब दोनों ऑफ तो 1 होगा। अब ढूंढ लो कि दोनों ऑफ कहाँ हैं, बस एक ही बार है यहाँ पर, तो दोनों ऑफ तो ऑन हो गया, मतलब एक बार ऑन हुआ यहाँ पे, बाकी हर जगह ऑफ रहेगा। बच्चों ये एन ओ आर हो गया। अब आप अगर अपने उस वाले पेज में देखोगे जिसमें सब बन रहा है तो ये आर का ठीक उल्टा होगा, ये एन आर हो गया, एन ओ आर। ठीक है, बस कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद ये यूनिवर्सल गेट है तो अपने कॉपी में खुद बना लो, नार एज नॉट, नार एज आर, नार एज एंड, वो बना लो अपने आप, बना लो, बना लोगे अब। अब ट्राई करो कि देखो बन पा रहा है कि नहीं।
नार एज नॉट, नार एज आर, नार एज एंड, तीनों बनाओ। बच्चों अब थोड़ा मुझे बताना, नार गेट को नॉट करने के लिए क्या करना चाहिए? दोनों इनपुट मिला देना चाहिए, बस बन गया। और इसके बाद स्कूल के अगर कॉपी लिख रहे हैं तो आप यहाँ पे ए लिखो, यहाँ पे ए लिखो, फिर यहाँ पे ए प्लस ए बराबर ए लिखो, और इसके बाद बच्चों ए इनवर्स बराबर सी। नॉट गेट तैयार हो गया? नॉट गेट बूलियन अलजेब्रा लिखने के लिए आएगा, समझ लो। जितने पेपर में क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे PYQ, वो सब बहुत कायदे से कर लेना। अब इसके बाद दूसरा जो लिखा ना एज आर, अब बताओ ये आर कैसे बनेगा? एक बार नॉट और लगा दें, नार प्लस नॉट बराबर आर, नार में एक बार नॉट और लगा दो तो वो आर हो जाएगा। ये नार है, ये नॉट है। अब यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ ए प्लस बी है, ए प्लस बी का इनवर्स है, यहाँ पर भी ए प्लस बी का इनवर्स ही होगा। जब इसके बाहर निकलेगा तो ऐसे बन के क्या हुआ, ए प्लस बी, और ये हो गया सी। ए प्लस बी बराबर सी, आर गेट बन गया। अब अगला वाला अपना बनाओ, तीसरा वाला एंड बनाओ, जैसे पहले बनाए थे ना वैसे अभी बनेगा। जैसे नैन से बनाए थे आर, वैसे ही नार से बनेगा एंड। बच्चों देखो मैं भी बना लूँ, आपने अगर बना लिया हो तो मिला लीजिएगा। अब देखो नार से एंड बनाने के लिए सोच रहा हूँ, तो पहले तो नॉट होगा, पर नॉट यही वाला होना चाहिए जो नार से बना, जो नार से बना है। अब देखो यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है बच्चों, अब आप लोग देखते जाना। यहाँ ए इनवर्स होगा, यहाँ बी इनवर्स होगा, यहाँ पे ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स होगा, और आप इसे लिखते हो ए बी इनवर्स। इसके बाद फिर ए बी इनवर्स का इनवर्स होगा, तो बराबर ए बी आया, और ये हो गया सी।
एंड बन गया, एंड बन गया। अच्छा ऐसे ही अगर कोई ऐसे जोड़ ओड़ के देगा तो बूलियन अलजेब्रा लिख लोगे? ऐसे करना जैसे मैं कर रहा हूँ, ऐसे करते जाना। ट्रुथ टेबल बनाने के लिए बोलेगा वो बना लेना, कोई आंसर पूछेगा कि कौन आंसर सही है तो जो अलजेब्रा में आएगा वो ठीक कर लेना। PYQ देखेंगे तो उसमें टीचर ने ज़्यादा सवाल पूछे हैं, स्कूल किताबों में उतने क्वेश्चन नहीं हैं जितना कि अब एग्ज़ाम के आए हुए क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो वो सब ऐसे ही पूछे हैं, निकाल सकते हैं आप लोग। हो गया इतना ही। अब आपको दो यूनिवर्सल गेट हो गया, एक नॉट गेट हो गया, दो बेसिक में एंड और आर हो गया, कुल कितने हो गए? पांच। अभी एक आध और पढ़ लो। अब लिखो एक्सक्लूसिव आर, XOR, एक्सक्लूसिव आर गेट। अब इसे आगे बढ़ा रहा हूँ जी, XOR, एक्सक्लूसिव आर, इसका नाम है एक्सक्लूसिव आर गेट। हो गया। चलो अब देखो इधर, इसका पहले बूलियन अलजेब्रा लिखेंगे। ए प्लस बी, आर का बूलियन मैथमेटिक्स क्या है? ए प्लस बी, और एक्सक्लूसिव आर है तो इसमें ए प्लस प्लस को गोला से बंद कर दो, ए प्लस बी एक्सक्लूसिव हो गया। और इसकी वैल्यू होगी ए बी इनवर्स प्लस बी ए इनवर्स, और यही है सी बराबर ए प्लस बी, और इसी को आप लिखते हो ए बी इनवर्स प्लस बी ए इनवर्स। बच्चों ये एक्सक्लूसिव आर है, एक्सक्लूसिव आर की ये बोलियन मैथमेटिक्स है। अगर प्लस को गोले में बंद कर दे तो समझ लो ऐसे लिखना है आपने, एक सीधा एक उल्टा। अब आपको इसके सर्किट बनाने के लिए बोला जाएगा कि इसके सर्किट बना के दिखाओ, दिखाना पड़ेगा। ए और बी जैसा कि मल्टीप्लाई करके आप देख पा रहे हो बच्चों, इससे लग रहा है कि ए इंटू बी माने एंड गेट होगा। देखो यहाँ पे दो इनपुट है, ये इसमें आएगा अब बच्चों देखो, जैसे मान लो ये ए और बी है ना, तो जब यहाँ से बाहर निकलेगा तो क्या बन गया है? ए बी इनवर्स। देखो बना कि नहीं बना, ये बी है तो यहाँ बी इनवर्स होगा, एंड गेट है तो मल्टीप्लाई होगा,
ए बी इन्वर्स हो गया। इसमें क्या आ रहा, यहाँ तो बी पूरा आ रहा और यहाँ तक ए है, फिर इसका उल्टा क्या हुआ, ए इन्वर्स। जैसे यहाँ पे बी का उल्टा बी इन्वर्स, यहाँ पे ए है। अब यहाँ से जब निकलेगा तो निकलेगा बी ए इन्वर्स बनकर। अब इन दोनों को आपको प्लस करनी है, प्लस प्लस करने का काम एंड गेट का नहीं है, हैं, नॉट गेट का है, आर गेट का है। हाँ, आर गेट लगाओ इसके आगे, ये आर गेट। अब यहाँ से ए बी इन्वर्स आया, यहाँ पे बच्चों बी ए इन्वर्स आया, इसके अंदर जुड़ेगा, ए प्लस हो जाएगा और बाहर वही हमें दिख जाएगा, ए बी इन्वर्स प्लस बी ए इन्वर्स बन गया। तो ये एक्सक्लूसिव आर है, एक्स ओ आर, ये गेट का ऐसे चित्र बना देगा कभी कभी, बोलेगा कौन सा गेट है, तो देख लेना उल्टा है तो एक्स ओ आर लिख देना बच्चों। ये एक्सक्लूसिव आर गेट की कहानी। अब इतना बड़ा हम लिखते उखते नहीं हैं, बनाते हैं, बना लिया, पर इसको आसान सा बना के दिखाना हो अगर तो बस ऐसे बना दो, यहाँ ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे बीच में ऐसे ही इसका कवच कुंडल लगा दो, इसी तरह से इसे बना, और यहाँ पे आउटपुट हो जाएगा सी, बराबर हो गया ए बी इन्वर्स प्लस बी ए इन्वर्स, हो गया कंप्लीट। ये है एक्सप्लोसिव आर, उसको ऐसे दिखाते हैं, ठीक ऐसे बना देते हैं। हो गया। अब इसका वो जो बनाइए ट्रुथ टेबल और एनालॉग सर्किट वाली बात, सर्किट डिजिटल सर्किट, डिजिटल सिग्नल। बच्चों ट्रुथ टेबल हम पहले बनाएंगे, ट्रुथ टेबल यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है। बोलो अब लिखवाना शुरू करोगे, 01 0 11 0 0। बच्चों देखो इसको लिख रहा हूँ मैं, ध्यान से देना। इसमें लिखोगे ए बी इन्वर्स ना, ए बी इन्वर्स मतलब जब 1 0 एक ऑन एक ऑफ, तो यहाँ ऑन होगा ऑफ होगा ऑफ होगा, यही आ रहा होगा, चेक करो। मतलब अगर दोनों ऑन है तो भी ऑफ होगा और दोनों ऑफ है तो भी ऑफ होगा। ये सिग्नल आशा एक्सक्लूसिव आ रहा है, मतलब एक काम कर रहा है एक नहीं तो वो काम कर जाएगा, और अगर दोनों काम कर रहे होंगे तो भी वो ऑफ रहेगा, दोनों नहीं काम कर रहे होंगे तो भी ऑफ रहेगा। ऐसा जहाँ ज़रूरत पड़े उसको हम एक्सक्लूसिव आर गेट बोलेंगे और ऐसे बना लेंगे। अब इसका वो डिजिटल सिग्नल वाली बात करें, उसको बच्चों उसको भी दिखा लो।
बच्चों अब इसको भी जरा बना लो। आजकल यही ज़्यादा पूछता है, जो भी बन रहा है ना यही सब पूछता है। अब इसमें आपको x क्या देखना है, देखना क्या है, जहाँ पे दोनों आन है, जहाँ दोनों आन है वहाँ ऑफ कर दो, और जहाँ दोनों ऑफ है वहाँ पे भी ऑफ कर दो। वन वन कहाँ पे है, आखिरी में, और पहला भी तो वन वन है ना। तो हुआ क्या, यहाँ भी जीरो हो गया बच्चों, और लास्ट वाला भी जीरो होगा, ये भी जीरो हो गया। और कहाँ जीरो जीरो है, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया। चलो और कहाँ वन वन है, बस अब इतनी जगह ऑफ होगा और इतनी जगह ऑन होगा। ये हो गया एक्स ओ आर, जो इलेक्ट्रॉनिक वाले स्टूडेंट होते हैं वो उनको सबके दिमाग में हरदम सेट रहता है, वो तुरंत दिमाग में चलता रहता है कि ऐसी घटना है तो ये वाला गेट लगा दो, ऐसी घटना है तो ये गेट लगा दो। ऐसे तो तमाम तरह के स्विच, तमाम तरह के डिवाइस बनाए जा रहे हैं, इन्हीं सब का यूज़ करते हैं। अब ये एक्सप्लोसिव आर हो गया, अब इसका उल्टा लिखो, एक्स एन ओ आर, एक्सक्लूसिव नार गेट, एक्स एन ओ आर। इसे लिखने के बाद तब अगला बनाएंगेगा, एक्स एन ओ आर, एक्सक्लूसिव नार गेट। हो गया, अब देखो मैं लास्ट इसका लिख रहा हूं, आखिरी बात, अब बच्चों आप लिखोगे एक्सक्लूसिव नार गेट। ऐसे बनाना, ऐसे ऊपर एक लाइन खींच दिया, और अब ये क्या होगा, ए बी प्लस ए इनवर्स बी इनवर्स, एक में दोनों सीधा होगा और एक में दोनों उल्टा होगा, ए बी प्लस ए इनवर्स बी इनवर्स, ये हो गया। ए बी प्लस ए इनवर्स बी इनवर्स, बच्चों जरा इसको देखना, ये वाला तो डायरेक्ट ही एंटर करेगा, और यहाँ दोनों में क्या लगा दो, नॉट लगा दो, दोनों में
दोनों में नॉट लग गया। इसके बाद अब यहाँ से जब बाहर आएगा तो ए बी हो गया, और जब यहाँ से बाहर आएगा ए इनवर्स बी इनवर्स हो गया। यहाँ पे ए इनवर्स बी इनवर्स हो गया। यहाँ पे हुआ ए बी प्लस ए इनवर्स बी इनवर्स। ओके, ये सी का मान आ गया। बच्चों एक्सक्लूसिव आर का ये कहानी हो गई। अब लिख लिया यहाँ तक, अब बना लो जल्दी से, कंप्लीट करो, थोड़ा आगे और बढ़ाएं।